एसपी सिटी सोनम कुमार के नेतृत्व में कैंट पुलिस ने चेतना तिराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार ने बिना मास्क व हेलमेट के वाहन चलाने वाले लोगों का चालान किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग अभियान आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाया गया है और वाहनों की सघन चेकिंग की गई है। चेकिंग के दौरान अगर कोई चोरी के वाहन लेकर जा रहा है तो उसे पकड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि जनपद में 48 जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है तथा पुलिस के द्वारा बनाए गए बैरियर को चेकिंग ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत से लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी चालान किया गया है। इस अवसर पर एएसपी सीओ कैंट राहुल भाटी, कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी व सीओ कैंट राहुल भाटी और एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये तो
से विशेष चेकिंग अभियान चला गया, जिसमें विशेष रूप से जो दो पहिया वाहन हैं उनमें कोई संदिग्ध व्यक्ति हो। और इस अभियान के दो पर्पज़ हैं, पहला है कि संदिग्ध जो दो पहिया वाहन हैं उनकी चेकिंग, दूसरा इसका पर्पज़ है कि जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो चार पहिया वाहन हो चाहे दो पहिया वाहन हो। विशेषकर दो पहिया वाहनों में जो लोग हेलमेट नहीं लगाए हैं और या फिर एक गाड़ी पे तीन सवारी ट्रिपल सवारी कर रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। तीसरी बात, जिनकी नेम प्लेट गलत हो सकता है कि वो लोग कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हों, इसलिए उनको अलग से बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उनका चालान किया जा रहा है। तीसरा इसका उद्देश्य है कि जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, अभी लोग कोरोना को फिर से लाइटली लेने लग गए हैं, इसलिए इस पर भी सख्ती की जा रही है कि मास्क में भी चालान किया जाए, लोग कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन करें और मास्क लगाएं। तो तीन इसके उद्देश्य हैं, चेकिंग, दूसरा यातायात नियमों का पालन करवाना, तीसरा मास्क की चेकिंग करना। देखो, अगर लोग सहवन गलती करके बिना जाने समझे गलती करके कर रहे हैं तो उनको चेतावनी देकर छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो लोग आदतन हैं, अगर ऐप में दिख जाता है कि इसका पहले भी चालान हुआ है हेलमेट में या पहले भी गलत नेम प्लेट में चालान हुआ है, तो उसका और ज़्यादा चालान किया जा रहा है और सख्ती दिखाई जा रही है ताकि और यातायात नियमों का पालन करें। देखिए, आज मुख्यतः दोपहिया वाहनों पर जो घूमते हैं लोग उनके चेकिंग की जा रही है, जैसे आपराधिक दृष्टिकोण से ज़्यादा मेन फोकस रखा गया है, ट्रैफिक के भी चालान किए जा रहे हैं, मास्क के भी चालान किए जा रहे हैं, परंतु मुख्यतः ये देखा जा रहा है कि आपराधिक दृष्टिकोण से अगर ये कोई बाइक रेसर गैंग का मेंबर तो नहीं है या फिर चेन स्नैचिंग वॉय स्नैचिंग घटना कार्य तो नहीं करने जा रहा था, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। नगर क्षेत्र में 48 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, सभी CU SHO सब इंस्पेक्टर तो सबको बाहर निकाला गया है और सब लोग चेकिंग कर रहे हैं। बैरियर चेकिंग ऐप जो गोरखपुर द्वारा पुलिस द्वारा विकसित किया गया है, उस पर जो डेटाबेस है उसको अपलोड भी किया जा रहा है, बाद में इसको एनालाइज किया जाएगा, जो घटनाएं घटी उनके साथ इसको मैच भी किया जाएगा। जो लोग नियमों का नहीं पालन कर रहे हैं लगातार, देखिए जो भी नियमों का पालन नहीं किया उनका चालान भी कर रहे हैं हम लोग, हमने मास्क के भी चालान किए, हमने ट्रैफिक के भी चालान किए, परंतु मुख्यतः जो चेकिंग की जा रही है आज वो आपराधिक दृष्टिकोण से ऑपरेशन चक्रवात के तहत की जा रही है और बैरियर चेकिंग ऐप का यूज़ करके उसको अपलोड किया जा रहा है।